मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। महंगे मटेरियल्स की जब भी बात आती है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है नाम सोना। हालांकि सोना काफी महंगा है, पर उससे भी ज्यादा महंगे कई प्रोडक्ट्स हैं। ड्रग्स जैसे कि हीरोइन, कोकेन, LSD, ये सोने से कहीं ज्यादा महंगे। और इनसे भी बहुत ज्यादा महंगा होता है डायमंड। डायमंड की वैल्यू अगर 1 ग्राम देखें तो वो कई लाख रुपए की होती है। इन सब की कीमत दुनिया के सबसे महंगे मटेरियल के सामने कुछ भी नहीं है, और वो मटेरियल है एंटी मैटर। तो आखिर ये एंटी मैटर क्या होता है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्तेश मॉडर्न बाबा के नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस दुनिया में इस ब्रह्मांड में हर चीज मैटर से बना हुआ है। मैं, आप, समोसे, कुत्ते, पत्ते, हवा, हर चीज मैटर से बना हुआ है। पिछले शतक में आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम कर रहे थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो आप सभी जानते ही हैं ना, वो बहुत फेमस है इक्वेशन E=MC². उसी समय बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो ब्रह्मांड के छोटे कणों पे काम कर रहे थे, जिसे कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। और ये सब करने के लिए मैथ्स की जरूरत होती है, बहुत सारा मैथ्स। उसी समय एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है पॉल डिरैक। जब वो मैथमेटिक्स कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि X²=4 के दो आंसर होते हैं, 2 और -2। जब 2 और -2 दो आंसर X² के हो सकते हैं, तो वैसे ही एक मैटर और एक एंटी मैटर होना चाहिए, उनको ऐसा लगा। तो आखिर एंटी मैटर क्या होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैटर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम लोग देखें तो उसमें मेनली दो पार्टिकल्स होते हैं, एक हैवीली पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटॉन और एक लाइटर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। एंटी मैटर इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, एक हैवी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसे हम एंटी प्रोटॉन कहते हैं, और एक लाइट वेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। जब भी मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तब 100% एनर्जी का रिलीज होता है, जिसे हम प्योर एनर्जी कहते हैं, और वहां पर हो जाता है विनाश। अब ये एंटी मैटर और मैटर का जो कॉलिजन होता है, इसके बहुत सारे फिनोमिना में हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोज 1 ग्राम किशमिश का हम लोग अगर लिए और उसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉप कर लिए, तो हिरोशिमा और नागासाकी का जो कंबाइंड न्यूक्लियर इफेक्ट है, उतना बड़ा विस्फोट हम लोगों को मिल सकता है मात्र एक किशमिश के बराबर 1 ग्राम एंटी मैटर से। अब ऐसे ही और भी क्या इसके छोटे मोटे एप्लीकेशन हो सकते हैं। अगर हम लोग छोटे वेपन्स में अगर हम लोग इसको यूज करें, तो सपोज एक बुलेट है और बुलेट के सामने हम लोग 1/100 करोड़ ऑफ एंटी प्रोटॉन हम लोग यहाँ पर डाल दिए बुलेट के जस्ट सामने में। अब हम लोग जब बुलेट को फायर करेंगे तो सामने जो घर रहेगा वो पूरा गायब हो जाएगा। इतना बड़ा विस्फोट वहां पर हो सकता है। इसके और भी बहुत से प्रोडक्टिव यूज हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री। एंटी मैटर का यूज कैंसर के डायग्नोसिस में होता है, जनरली जिसे हम पेट स्कैन कहते हैं। स्टार वॉर्स जो मूवी बनी थी, उसमें जो स्पेसशिप होते थे, उसमें दिखाया गया था मैटर और एंटी मैटर के कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो विनाश से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उससे स्पेसशिप आगे जा रही है। हालांकि ये थ्योरी है और ये कॉन्सेप्ट है और उसी के बेसिस पे ये मूवी बनी थी। अगर हम एक्चुअल में इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो स्पेसशिप है वो लाइट के स्पीड के आधा स्पीड तक के बराबर तक पहुँच सकता है। हम लोग अपने सन के अलावा जो नियरेस्ट स्टार सिस्टम है उस तक मात्र 2 साल में पहुँच सकते हैं। जब एंटी मैटर इतना ही ज़्यादा यूजफुल है, तो हम इसको कहीं से इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते, या फिर इसको बना क्यों नहीं लेते? इसके 3 कारण हैं। पहला, एंटी मैटर बहुत ज़्यादा रेयर है। दूसरा, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और तीसरा, इसको बनाना भयानक रूप से महंगा है। अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर पे जब हाई कॉस्मिक एनर्जी इम्पैक्ट करती है तो यहाँ नेचुरली एंटी मैटर बनता है, लेकिन वो इतने ब्रीफ मोमेंट के लिए बनता है कि वो बनते ही लगभग गायब हो जाता है।
वो जैसे ही बनता है, क्योंकि एंटी मैटर मैटर से रिएक्ट होते ही गायब हो जाता है, तो जैसे ही वो बनता है वो रिएक्ट होते ही गायब हो जाता है, तो वहाँ पर से उसको प्रोड्यूस करना लगभग इम्पॉसिबल है या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे प्रैक्टिकल मेथड जहाँ पर एंटी मैटर प्रोड्यूस करने का है वो है लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर में। जी हाँ, आपको याद होगा लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, आज से 5-6 साल पहले उसने काफ़ी सुर्खियाँ बनाई थी। लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर यूरोप में बेस्ड है, CERN नाम के एक जगह पे, जिसे हम कहते हैं CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यहाँ पर लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर अवेलेबल है और वहाँ पर एंटी मैटर बनाने की तकनीक है और वहाँ पर साइंटिस्ट एंटी मैटर बना भी रहे हैं। लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर का करेंट कैपेसिटी एंटी मैटर बनाने का जो है वो है 1 मिलियन एटम पर मिनट। अब हो सकता है कि आपको सुन के लग रहा होगा कि 1 मिलियन एटम पर मिनट, लेकिन एक्चुअल में 1 मिलियन एटम पर मिनट अगर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर 100 करोड़ साल तक के बनाते रहे तब मात्र 1 ग्राम एंटी मैटर प्रोड्यूस होगा। तो वो आप समझ सकते हैं कि इसको प्रोड्यूस करना इतना ज़्यादा महंगा क्यों है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा समय लगेगा और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। एंटी मैटर का जो वैल्यू है वो अलग अलग लोग अलग अलग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, काफ़ी असमानताएं हैं पूरे इंटरनेट में रिसर्च करके देखने से। 2006 में नासा गॉडार्ड में एक साइंटिस्ट ने आर्टिकल प्रोड्यूस किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि 1 ग्राम एंटी मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए $25 बिलियन लगेंगे। सिमिलरली 1999 में नासा के एक और साइंटिस्ट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, उन्होंने कहा था कि 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने के लिए $62.5 ट्रिलियन लगेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि एंटी मैटर क्यों नहीं बन पा रहा है। प्रोडक्शन तो इसका पहला प्रॉब्लम मात्र है, सेकंड प्रॉब्लम है इसके स्टोरेज। इसको हम आम कंटेनर्स में स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि एंटी मैटर मैटर से कॉन्टैक्ट में आते ही विनाश हो जाता है, तो हम लोग इसको आम कंटेनर में स्टोर करके नहीं रख सकते। हालांकि विनाश हम लोगों को एक बहुत ही भयानक शब्द लग सकता है, लेकिन जब एक मैटर एक एंटी मैटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो विनाश कभी कभार इस प्रकार से हो जाता है। अब दोस्तों, एंटी मैटर मैटर से कुछ अलग नहीं होता है, एंटी मैटर भी वैसा ही होता है जैसे एक मैटर होता है, वो दिखने में वैसा ही होता है, बस वो अपोजिटली चार्ज होता है। साइंटिस्ट लोग का कहना है कि जब बिग बैंग हुआ, जब भयानक रूप से विस्फोट हुआ और हमारे यूनिवर्स का जब जन्म हुआ, तो उस समय उस बिग बैंग में एंटी मैटर और मैटर समान मात्रा में प्रोड्यूस हुए थे, लेकिन मैटर इतना ज़्यादा था कि एंटी मैटर और मैटर कोलैप्स होते गए और अंत में सिर्फ कुछ मैटर ही बचे। तो ये एक थ्योरी हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक पूरा का पूरा गैलेक्सी हो जहाँ पर सिर्फ एंटी मैटर हो? हो सकता है कि ऐसा गैलेक्सी हो और हम लोग अब तक के उसको खोजने में सफल नहीं हुए। या फिर एक धारणा ये भी हो सकती है कि जब बिग बैंग हुआ तो एंटी मैटर ज़्यादा मात्रा में थे और मैटर कम मात्रा में थे, और अंत में जो बच गए वो एंटी मैटर हैं और हम लोग एंटी मैटर हैं, और इस दुनिया में हर कोई एंटी मैटर है, हर चीज़ एंटी मैटर है और हम लोग अपने आप को मैटर समझ रहे हैं और जो एक्चुअल में मैटर है हम लोग उसको एंटी मैटर समझ रहे हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोस्तों, फिजिक्स कभी कभार काफ़ी पेचीदा हो जाते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एकदम समझने में मुश्किल हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये फिजिक्स कैसा है? आपको समझने में बोरिंग लगता है या फिर ये इस वर्ल्ड का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। इस देश में 125 करोड़ की आबादी है, लेकिन ये 125 करोड़ की जनता इतनी बिखरी हुई है, हम सभी का माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि अभी हम लोग वर्ल्ड लीडर नहीं बन पा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि 125 करोड़ की जनता जिनके पास पूरा का पूरा नॉलेज हो और वो इस दुनिया को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, हम लोग वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। तो फिर मेरा और हमारा मॉडर्न बाबा का इस चैनल का उद्देश्य यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में लोगों को ऐसे नॉलेज बेस्ड कंटेंट्स देते रहें ताकि सबके पास नॉलेज आए, सबको नॉलेज में इंटरेस्ट आए, एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग देते रहें और ये देश वर्ल्ड लीडर बन जाए। तो इस सब चीज़ों के लिए हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि आप लोग जब इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करेंगे कि हर किसी तक पहुंच जाएगा, तब हम लोग अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे। तो कृपया करके हमें इस मिशन में सपोर्ट कीजिए, और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है तो हम लोग आप लोगों से कुछ और तो मांग नहीं रहे, बस इस वीडियो को लाइक प्रेस कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे हम लोगों को उतना ज़्यादा तसल्ली मिलेगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग साइंस रिलेटेड और फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।